हेलो गाइस, तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। ऐसे तो मुझे रोस्ट वीडियोस थोड़े पसंद हैं, एक्चुअली मैं देखता बहुत हूँ रोस्ट वीडियोस, अच्छे लगते हैं। ठीक है, एक एंटरटेनमेंट के लिए देखना होता है, पर्सनली किसी को हेट या दूसरी चीज़ें मैं सपोर्ट नहीं करता। बट सिर्फ रोस्ट वीडियो और ये सब इतना ड्रामा, तो एक्चुअली मैं एक रोस्ट वीडियो देख रहा था, बट इन बिटवीन जो उसमें चीज़ें थी, जो उसका कॉन्टेंट था, मुझे रोस्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने किसी को रोस्ट किया, खूब करो यार रोस्ट, लेकिन उस बीच में एक ऐड था, जब मैंने वो ऐड देखा मेरी हट गई, और जब मेरी खोपड़ी हटी वहाँ उस ऐड के चक्कर में मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैंने इससे पहले एक शॉर्ट डाला था एक वीडियो का, इंक्लूडिंग दैट रिएक्शन टू दैट ऐड। आप प्लीज़ एक बार पहले वो क्विकली देख के आओ जल्दी से, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हेलो गाइस, एक क्विक शॉट है, बट उससे पहले मैं जिस बारे में बोलना चाह रहा हूँ उसके लिए ये वीडियो आपको देखना जरूरी है। जल्दी से क्विकली एक वीडियो देख लो। हो गया, इंस्टाग्राम यूजर नॉट फाउंड, ट्विटर दिस अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, अब कहाँ अपना कॉन्टेंट दिखाए भैया। Meanwhile guys, मैं आपको Binomo के बारे में बताना चाहूंगी। Binomo is an additional source of income, small daily expenses, यहाँ पे 2 मिलियन से भी ज्यादा successful traders सिर्फ इंडिया से। पहले आपको अपने Facebook और से sign up कर लेना होता है, asset पे जाके asset select करना होता है, amount पे जाके amount select करना होता है। जैसे मैंने 350 rupees का amount select कर लिया, अब हमें predict करना ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। जैसे 20 इसमें से सिर्फ ऊपर क्यों जा रहा है, हम इसको अप पे लगाएंगे और हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तो क्विकली आप लोगों ने देखा कि कितनी जल्दी है, तो आसानी से, मतलब इन्होंने बोल दिया कि Binomo पे जाके ट्रेड करो, ये ग्राफ मैंने लगाया ऊपर नीचे के। यार एक्चुअली ट्रेडर के हालात पता है आप लोगों को, ट्रेडर किस तरह ट्रेड करते हैं, फट जाएगी अगर एक्चुअली मार्केट में लाइव ट्रेड करने बैठे और उसके बाद जब आपका ग्राफ ऊपर ही नीचे जा रहा होता है या नीचे की जगह ऊपर जा रहा होता कहीं पे। एक्चुअली अगर ट्रेड करना नहीं आता, ये चीज़ें नहीं आती ना, इस तरह से इन्फ्लुएंस करना, लोगों को चूतिया बनाना बंद करो। मतलब जो ड्रामा लगा रखा है Binomo दो भी ठीक है, आप लोग ऐड कर रहे हो, बट इतना क्या सिंपल, इतना सिंपल है क्या ट्रेड करना? करके दिखाना जरा कौन से ट्रेड होते हैं ऐसे। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट रुपीज, लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपका डिपॉजिट अमाउंट डबल हो जाएगा, 700 rupees, और आप Binomo अकाउंट में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अपने जीते हुए पैसे को इजीली पेटीएम या फिर बैंक के थ्रू विड्रॉ। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक Binomo आउट। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। Binomo के नाम पे 18+ का टैग क्यों ऊपर वहाँ पर? Meanwhile guys, मैं आपको Binomo के बारे में बताना चाहूंगी। Binomo is an additional source of income, small daily expenses, यहाँ पर चल चाह क्या रहे हो। Binomo ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है या फिर 18+ की कोई वेबसाइट है जिसके ऊपर आपने वो 18+ वाला टैग लगा दिया? ट्रेडिंग सिर्फ 18+ लोग करते हैं क्या? उसके अलावा कोई लोग ट्रेडिंग नहीं करते? 18 से जो बिलो एज हैं वो लोग ट्रेडिंग कुछ नहीं जानते, उनको कुछ नहीं पता इन्वेस्टमेंट के बारे में, अखंड चुतिया फैला रखा है। अगर सीरियसली सिर्फ ये 18+ वाले लोगों के लिए है, तो फिर ये यूट्यूब और गूगल के ऊपर वो जो एक बंदा एक छोटे से बच्चे से एक ऐड करवा रहा है अपने सेमिनार का, जिसने एक दिन में कुछ 1,00,000 रुपये का ट्रेड प्रॉफिट उठाया, वो क्या मतलब, क्या वो है, क्या लॉजिक है तुम लोगों की बातों में कहीं पर? ये 18+ लगाने का मतलब क्या ट्रेडिंग के ऊपर? तो कौन से स्कूल में आपने ट्रेडिंग सीखी है जहाँ पे आपने 10 सेकंड के अंदर अंदर आपने एक बिड लगाई, ट्रेड किया और प्रॉफिट कमा लिया? क्यों बंदे को चूतिया काटा जा रहा है यार, क्यों बनाया जा रहा है बंदे का चूतिया? ट्रेडिंग का मतलब समझ में आता है? मतलब These people are behaving like something. तुम लोगों को इनके हाथ कोई अमीरों की स्कीम लगी है? अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल, मुझे ये 21 सेकंड में पैसा डबल करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस तरह ट्रेड के एडवर्टीजमेंट करते हैं। पर ट्रेड का मतलब पता है, ट्रेड किस तरह होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता ट्रेड के अंदर, किस टाइम पर ट्रेड करना है, किस टाइम पर ट्रेड नहीं करना है, और ट्रेड करने के नाम पे ये इतना इजी क्यों है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। इनके हिसाब से ट्रेडिंग इज समथिंग कि आप अपना पॉकेट मनी बड़े इजीली निकाल सकते हो, अपना साइड खर्चा, एक साइड इनकम बहुत इजी बना सकते हो। भाई इतना इजी होता है तो हर कोई ट्रेडिंग कर रहा होता, ये नौकरियां, दूसरी चीज़ें, जॉब, छोटे बिजनेस सब बंद कर चुके होते, सब ट्रेडिंग में बैठे होते। तुम्हारी तरह Binomo का लेके या किसी और चीज़ को उठा के लेके अपने साथ में, ठीक है? और ये मतलब कौन सी स्कीम है जिसमें आपने 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर अंदर आपने पैसे डबल कर दिए, प्रॉफिट इतनी जल्दी, और मतलब समझ नहीं आया मुझे ये कहां से लेके आते हो, ये टैलेंट कहां से, इतना ज़्यादा टैलेंटेड, इतना टैलेंट कहां से लेके आते हो? टैलेंटेड बंदे, आप स्कूल क्यों नहीं खोल लेते ट्रेडिंग के नाम पे? ये एडवर्टीजमेंट करने से इस टाइप से क्या फ़र्क पड़ता है? इससे अच्छा मैं कहता हूँ एक टैलेंटेड है इतने लोग तो स्कूल खोले, एक ट्रेडिंग के लिए अपना प्लेटफॉर्म खुद का बनाए,
उस प्लेटफॉर्म से आपको समझ में आएगा और आप लोगों को समझा पाएंगे कि आप कैसे 10 सेकंड के अंदर पैसे डबल कर लेते हैं। और रही बात रोस्ट करने की, तो आप बहुत अच्छा रोस्ट करते हो, बहुत अच्छा रोस्ट कर रहे हो, करते रहो, मुझे उस चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं है, सबको रोस्ट करो, जिसको मर्जी रोस्ट करो, लेकिन जिसको रोस्ट करने आए हो, लड़कों को ठरकी बोल रहे हो, सब कुछ अपने आप को तो देखो पहले एक बार। आप ये वीडियो बना रहे हो, इतने बटन्स तो लड़के भी खोल के नहीं घूमते होंगे, ठीक है? रखा होता है। ये वही लौंडे जो संस्कारी घरेलू लड़कियों से अपना प्यार सींच के मन भर के दो ही दिन बाद अपना ठेका किसी और को दे बैठे हो। सो प्लीज फर्स्ट माइंड योर सेल्फ, योर पर्सनैलिटी, देन कॉमेंट ऑन अदर्स। दीदी के कॉमेंट सुनो, ये दीदी कहती है कि इन्होंने उस सूफिया अंसारी का अकाउंट देखा ही नहीं और इन्हें ये भी पता चल गया कि उनका अकाउंट बैन है और पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ फॉलोवर भी थे और उनका कंटेंट कैसा था, इनको सब कुछ पता है लेकिन ये नहीं पता कि ये इनके अकाउंट में गई थी नहीं गई थी। वाह, कितने फॉलोअर्स साला, मैंने आज तक उसका इंस्टाग्राम अकाउंट तक नहीं देखा था, मेरे देखने के पहले उड़ा दिया इन लोग ने। वो भी हुआ, कहां से लाते हो ऐसा टैलेंट, कहां से इतना दिमाग, इतने सारे आइडियाज, इतने ज्यादा क्रिएटिव कैसे हो सकते हो कि आपको कुछ पता नहीं है लेकिन फिर भी आपको सब कुछ पता है। ट्रेडिंग से रिलेटेड ABCD आती नहीं है, बस लिया ऐड किया, लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, ट्रेड कर लो। ट्रेड क्यों कर लो, क्यों करना है, कब करना है, कैसे चीज़ें ट्रेड करनी है, किसी को पता है? और नहीं पता तो फिर ये फालतू के एडवर्टीजमेंट आप लोग करते क्यों इतने ईजी दिखा के चीज़ों को? इतना ईजी होता है क्या? आज दोपहर का मैंने 1 घंटे का ट्रेड सेशन रिकॉर्ड किया है, तुम्हारी तरह 10 सेकंड का नहीं होता है ट्रेड। ट्रेड अगर देना होता है तो आपको बहुत ईजी मिलता है, नहीं मिलता, ऐसे नहीं मिलते ट्रेड। ट्रेड देखने पड़ते हैं, एनालिसिस करने पड़ते हैं कि किस तरफ मूवमेंट आने वाला मार्केट का और आपको कौन से बिट डालने हैं, कितने के ऑर्डर लेने हैं, कितने लॉट साइज होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप लोगों की तरह नहीं, और ये मैंने यहाँ पे पैसे लगाए और ये मेरे को प्रेडिक्ट करना है, ग्राफ ऊपर गया और मैंने ये आई मेड प्रॉफिट, व्हाट द फक इज दिस रियली? इस तरह ट्रेड होते हैं क्या? इतना ईजी ट्रेड करना होता है? मैं अपने पैसे दे देता हूँ, मुझे भी पैसे डबल करके दे दो, बताओ कितने टाइम में देने वाले हो अगर आपको इतना ही ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है और चीज़ों को इतनी ईजिली कर लेते हो तो। ये या फिर बिनोमो वगैरह जो भी आप लोग इतने एडवर्टीजमेंट करते हो सब चीज़ों के लिए बीच में उठा के लोगों को चूतिया काटने के लिए, सॉरी मैं ये सब वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकता ज़्यादा क्योंकि मैं एक्चुअली चाहता नहीं हूँ यार वीडियो के ऊपर ऐसे उल्टे सीधे कॉमेंट, अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें। लेकिन क्या इन लोगों ने ना अपना मतलब निकालने के लिए बहुत तरीके से लोगों का बना रखा, इतने तरीके से काट रहे हैं ये लोग, अच्छे तरीके से काट रहे हैं। इन्फ्लुएंसर हो और वैसे भी शायद मुझे याद आ रहा है कि ये दीदी आई तो टिकटॉक से ही है ना, और टिकटॉक पे अगर 10 सेकंड और 15 सेकंड की रील में ये फेमस हो सकती है बना के, तो शायद बिना वो पे 10-15 सेकंड में प्रॉफिट भी बना सकती होंगी। क्यों लेना होता है एसेट पे जाके एसेट सिलेक्ट करना होता, अमाउंट पे जाके अमाउंट सिलेक्ट करना होता। जैसे मैं 350 रुपीज का अमाउंट सिलेक्ट कर लिया, अब हमें प्रेडिक्ट करना ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जैसे 20 इसमें से सिर्फ ऊपर क्यों जा रहा है, हम इसको अप पे लगाएंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। गाइस वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश करूंगा इसी टाइप से कुछ और अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं। थैंक यू।